गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का अपना जो क्लास है वो है टू डायमेंशनल एरे। कौन सा है क्लास? टू डायमेंशनल एरे इन सी लैंग्वेज। देखो, वन डायमेंशनल एरे हम लोग देख लिए, ये अनदर फॉर्म ऑफ एरे इज कॉल्ड टू डायमेंशनल एरे। ये टाइप भी कह सकते हो, फॉर्म भी कह सकते हो। तो सारा डिफिनेशन इस पे लागू होता है एरे वाला ही। तो जस्ट रिकॉल करो, व्हाट इज एरे? एरे इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है? एरे इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, सो इट इज कॉल्ड होमोजेनियस डेटा टाइप। एरे इज क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ एनी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइव्ड डेटा टाइप। एरे इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सिमिलर इंफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल एंटिटीज, ओके, सच एज नेम ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट, ओके, रोल नंबर ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट, मींस सेम डेटा ऑफ मल्टीपल एंटिटीज स्टोर बाय एरे, ओके। अब कहता क्या है, एरे के कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था कि एरे जो है दो टाइप का हो सकता है, तीन टाइप का हो सकता है एक्चुअली, लेकिन थोड़ा देखो धीरे धीरे ही पढ़ो। सी में अगर तुम दुए को पढ़ लिया वही बहुत बड़ा बात हो जाएगा, सी प्लस प्लस में तीन को पढ़ लेना, कोई जरूरी नहीं है एक साथ सारा झटका दिमाग में डालने का। तो अपन लोग जो है सी में सिर्फ टू डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरे पर जाएंगे ही नहीं थ्योरी के लिए। बाद में जो है आपको मन करेगा लिखने का तो ठीक है लिख लेंगे लास्ट में मल्टी डायमेंशनल एरे को भी। टू डी एरे, तो टू डी एरे क्या कहता है? इट इज ए एरे, ठीक है, इट इज ए एरे, मतलब सारा डेफिनेशन तो इस पे एरे का लागू होगा ही, इन विच मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इन सिक्वेंशियल मैनर। In which memory is organized in sequential manner. इसमें भी मेमोरी जो होगा क्या होगा? सिक्वेंशियली ही क्रिएट होगा। पहला चीज तो आपको नोट करना है। दूसरी बात, टू डायमेंशनल एरे यूजेस टू टाइप ऑफ इंडेक्स। फॉर टू डायमेंशनल एरे यूजेस टू टाइप ऑफ इंडेक्स फॉर एक्सेसिंग ए सिंगल एलिमेंट, फॉर एक्सेसिंग ए सिंगल एलिमेंट और एनी एलिमेंट ऑफ द टू डायमेंशनल एरे, ओके। कहता है अब ये क्या बोल रहे हो? और एक चीज आप कह सकते हो कि टू डायमेंशनल एरे लॉजिकली क्रिएट्स मेमोरी इन टेबुलर फॉर्म, ओनली लॉजिकली। कोई बुक नहीं कहेगा कि ये जो है टेबुलर फॉर्मेट में होता है, एक्चुअली होता भी नहीं है। एक्चुअली जो होता है मेमोरी जो इसका क्रिएट होता है वो वैसे ही होता है, सीक्वेंस में ही होता है। लेकिन अगर हम प्रोग्रामर के नजर से देखें तो बहुत बेहतर होगा कि इसका मेमोरी अगर तुम क्रिएट करो टेबुलर फॉर्मेट में तो आसानी से क्या हो जाता है, ये टू डायमेंशनल एरे समझ जाता है। तो देखते हैं सिंटैक्स, सिंटैक्स हाउ टू क्रिएट टू डी एरे, हाउ टू क्रिएट टू डी एरे, सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग टू डी एरे, सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग टू डी एरे। तो सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग टू डी एरे जब देखोगे तो सिंटैक्स ये है इसका। पहले तो हो गया आपको एरे नेम, एरे नेम, ठीक है। अगला होता है यहां पर बरी कोज, और इसके बाद नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो मस्ट बी कांस्टेंट, और एक होता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। आप इसको आराम से लिख सकते हो। अब फिर एग्जांपल देखिए, तो डेटा टाइप तो छूट ही गया, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग टू डी एरे। एग्जाम्पल जैसे कि हम देख लेते हैं इंट, ठीक है, एग्जाम्पल में अपन क्या लिख लेता है, इंट एरे का नाम, मान लो कि एरे का नाम हम दे देते हैं नाम, नंबर ऑफ रो, लेकिन ये बड़ी कोस्ट है तो बड़ी कोस्ट जैसे कहते हैं रहेगा, नंबर ऑफ रो कहते हैं टू, नंबर ऑफ कॉलम कहते हैं थ्री। इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल एरे, जहां पर वन डी एरे सिंगल एरे में अपन लोग क्या करते थे, सिर्फ एक यूज करते थे इंडेक्सिंग के लिए, इंडेक्सिंग के लिए सिर्फ एक इंडेक्स यूज होता था एरे का, एलिमेंट का इंडेक्सिंग। यहाँ पर दो इंडेक्स यूज होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है टू डी एरे, इसमें टू डायमेंशन होता है, नॉट वन डायमेंशन। अब डायमेंशन समझाना मेरे बस की बात नहीं, फिजिक्स में जाकर तुमको समझना पड़ेगा डायमेंशन। अब ये टू डी एरे का ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो अब जब मेमोरी बनाएगा तो वो मेमोरी जो अपन ने बनाया था वो तो आपको दिखा दिया था कि 0, 1, 2, 3, लेकिन ये जो मेमोरी बनाएगा बच्चे तो ये एक्चुअली मेमोरी बनाएगा कितना, 2 और 3 है ना, तो इसको गुना कर दो, 2 + 6, ये टोटल मेमोरी बनाएगा 2 + 6, ठीक
कितने मेमोरी बनाएंगे ये टोटल एलिमेंट इसमें कितने होंगे, 6 एलिमेंट होंगे इसमें टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसका नाम क्या हो गया, नम हो गया, इसका नाम क्या हो गया, नम हो गया. ओके, नाम नम हो गया, नाम नम है, नम क्रिएट किया हो. लेकिन इसका जो इंडेक्स है, जहां पर सिंगल एरे में होता था 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, इसका होगा 2 से मिलके 0.0, ठीक है, इसका होगा 0.1, इसका होगा 0.2, ठीक है, ये हो गया 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 3 तो बनेगा नहीं. उसके बाद 1, 0, 1, 1, 1, 2, उसके बाद क्या बनेगा, 1, 0, 1, 1 और 1, 2, ऐसे बनेगा. जिसको समझना थोड़ा टफ हो गया ना, किताब ऐसे ही बना के देता है, तो ये आपको सर में दर्द दे देगा. तो देखो ये सर में दर्द दिया तो इसको रहने दो. चलो आज हम अपने लॉजिक पेज को लेकर आते हैं. कहते हैं कि इसके मेमोरी को आप टेबलर फॉर्मेट में क्रिएट करना. एक्चुअली बुक कहेगा इट क्रिएट्स मेमोरी इन सीक्वेंशियल फॉर्म जस्ट लाइक दिस, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी आर क्रिएटिंग इट्स मेमोरी एज टेबलर फॉर्म जस्ट लाइक मेरे तरह से बनाओ. कहते हैं इसमें हमने क्या बोला, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम. तो नंबर ऑफ रो कितना बोल रहा है, 2, तो 2 रो और 3 कॉलम. एक टेबल बनाओ जिस टेबल में कितने रो, 2 रो, तो ये 2 रो, 1 रो और 2 रो, दिस इज कॉल्ड रो. कॉलम 3, तो 3 कॉलम बना दो, हो गया. इसका भी नाम तुम दे दो, इसका नाम दे दो नम. अब रो को नंबरिंग कर दो 0, 1, कॉलम का भी नंबरिंग कर दो 0, 1, 2. अरे वो इतना ही मेमोरी है, लेकिन आसानी से क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा. पहले टारगेट कैसे करते हैं, रो को और तब कॉलम को. नम का 0, 0 ये रहा, नम का 0, 1 ये रहा, नम का 0, 2 ये रहा, नम का 1, 0 ये रहा, नम का 1, 1 ये रहा, नम का 1, 2 ये रहा. दिस इज योर, तो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिंग मेमोरी ऑफ 2DIA. इससे आप आसानी से क्या कर सकोगे, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे. इसमें तो करने के लिए जाओगे तो 0, 0, 0, 1, 0, 2 करना ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसमें करोगे तो आसानी से हो जाएगा. देखो 2 है तो 2 है मतलब 0, 1, 3 है मतलब 0, 1, 2, क्योंकि इंडेक्स जो होगा ऑलवेज इसमें भी जो होगा एक कम होगा, क्योंकि स्टार्ट कहां से होता है, 0 से. तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो 2DIA आपके बस में आ गया, तुरंत आ गया. अब इसमें जो डाटा रखना चाहते हो तो इसमें भी डाटा ऐसे ही रखाएगा, 2 इंडेक्स का इस्तेमाल करके. तुम नहीं कह सकते हो कि नम के 0 पर डाटा रख दो, क्योंकि नम का 0 मतलब नम का तो ये 0, रो तो इतना बड़ा है सर, तो इतना बड़ा रो पर डाटा थोड़ी रखना है, तुमको तो एक एलिमेंट पर डाटा रखना है. तो तुमने तो नम के 0 को टारगेट कर दिया, मतलब पूरे रो को टारगेट कर दिया. रो में किसी स्पेसिफिक सेल को टारगेट करना है ना, तो क्या करोगे, नम का 0 और उसका 0 बराबर 10, मतलब ये था. अगर इसमें डाटा रखना है तो क्या करोगे, नम का 1 पहले कौन, नम का 1 पहले नम रो और उसके बाद कॉलम 20. तो क्या हो गया, नम का 1, नम का 1 और 1 का 2, इसमें जाकर रख दो 20. ओके, बस समझ में आया 2DIA एरे का इस्तेमाल अपन कैसे करेंगे. तो हमने क्या क्या देख लिया, हाउ टू डिक्लेयर 2DIA, तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग 2DIA, एग्जांपल टू क्रिएट 2DIA, एक्चुअल मेमोरी फॉर्मेट ऑफ 2DIA, एंड लॉजिकली वी कैन क्रिएट इट्स मेमोरी लाइक दिस. ये 3 चीज हम समझ गए, इस 4 चीज को पहले कंसंट्रेट करो, 4 चीज को नोट्स में लिखो, उसके बाद आगे चलते हैं. बस इसका प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. अब कहता क्या है कि हमको एरे बनाना है, एक ऐसा कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है. कितने रो कितने कॉलम, 2 रो 2 कॉलम. तो ये कैसे बनेगा, मान लो इसका नाम है नम, ये कैसे बनेगा, इंट टाइप का नम, कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो, 2 और 2, तो 2 2 मतलब 0 1 0 1. ओके, इसका नाम क्या, इसका नाम
नम का सबसे पहले यही करना जरूरी है, पहले वन और देन जीरो। इसका नाम क्या? नम का वन और वन, पहले रो और तब कॉलम, सॉरी जीरो वन। ओके, अब कहता है ये ना बना के सर हमको ये बना, यही क्यों ये बनाना है। तो टू टू नहीं, थ्री थ्री, थ्री थ्री, थ्री थ्री, तो जीरो वन टू एंड जीरो वन टू। इसका नाम क्या? इसका नाम नम टू टू, इसका नाम नम टू टू, इसका नाम बिता गया नम टू टू, इसका नाम नम जीरो जीरो। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि हाउ टू डिक्लेयर ए एरे। ठीक है, अब ये सब मत करना कि नंबर ऑफ रो सर जीरो दे देते हैं, नंबर ऑफ क्या कर देते हैं, रो जीरो दे देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि भी एरे को डिक्लेयर करोगे तो उसका इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप जीरो दोगे तो फिर एक भी एलिमेंट नहीं है, और जब एक भी एलिमेंट नहीं तो एरे फॉर्म कैसे होगा? तो जो भी डाटा होगा वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या होगा, वो एक इंटीजर नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? एक इंटीजर नंबर होगा, फ्रैक्शनल में नहीं दे सकते हो। तीसरा चीज, कभी भी वेरिएबल नहीं होगा, जब भी होगा तो वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, देयर दैट इज ए कांस्टेंट। ओके, ठीक है, तीन चीज हो गया आपका अबाउट टू डायमेंशनल एरे। अब बात आता है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डी एरे। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डी एरे, स्टैटिकली डिक्लेरेशन हो गया, मेमोरी क्रिएट कर लिए, अब है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D अरे। तो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D अरे की जब हम बात करेंगे तो कहता है कि एक हम बना लेते हैं इंट टाइप का नम, साइज दे देते हैं इसको दो और तीन, दो और तीन। तो ये मेमोरी कैसा बनाएगा, जीरो वन और जीरो वन टू। नाम क्या हो गया इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, क्या नाम हो गया इसका नाम। अब एक एक करके इनिशियलाइज करना है तुमको, इसको क्या करना है, एक एक करके इनिशियलाइज करना है सबको। तो लोड करो ना, न का जीरो जीरो बराबर दस, नम का जीरो वन बराबर बीस, नम का जीरो टू बराबर तीस, नम का वन जीरो बराबर चालीस, नम का वन वन बराबर पचास, नम का वन टू बराबर साठ। तो क्या हो गया, नम का जीरो जीरो मतलब दस, तो लो दस, जीरो वन तो बीस, जीरो टू तीस, वन जीरो तो वन या जीरो पे चालीस, वन वन पे पचास और वन जीरो टू पे साठ। तो दिस इज द स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, दिस इज स्टैटिक इनिशियलाइजेशन अप टू डी एरे। टू डी एरे का स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हम कर रहे हैं, तो एक तरीका यह है, इस तरीका से आप किसी भी एलिमेंट को कभी भी इनिशियलाइज कर सकते हो। मतलब पहले आप वन टू पे डाटा रख लो, बाद में आपको जीरो जीरो पे डाटा रखो, इससे कोई नहीं पड़ता है। हमने आपको पहले ही कहा है कि एरे क्रिएट्स मेमोरी इन सिक्वेंशियल मैनर, बट इट प्रोवाइड टेक्निक टू एक्सेस योर डेटा रैंडमली, जब मन करे जिस मेमोरी में डाटा रखेगा रखो, और जब मन करे जिस मेमोरी से डाटा निकालने का निकाल लो। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन स्टोर डेटा इन 2D एरे एलिमेंट। 2D एरे के एलिमेंट में जो डाटा रखेंगे वो तरीका ये हो गया, पहला चीज सीख गए। अब दूसरा चीज को बताते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता है कि बीच में किसी को छोड़ दे, हाँ छोड़ दो, लो इसमें नहीं रखना है डाटा, किसमें डाटा नहीं रखे, जीरो वन के बाद इसमें नहीं रखे तो मत रखो, कोई बात नहीं, उसमें गार्बेज है पड़ा हुआ, खाली तो नहीं है, गार्बेज है, खाली तो कभी नहीं रहता है एरे का डाटा। सी में कोई भी वेरिएबल जिसमें आप डाटा नहीं डालोगे वो कभी खाली नहीं होगा, ये बात दिमाग में आपको ऑलवेज फिट रखना है, उस गार्बेज होगा उसमें। अब बात आता है कि सर मल्टीपल इनिशियलाइजेशन करें इसका, हाउ टू इनिशियलाइज मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, हाउ टू
मल्टीपल इनिशियलाइज इट्स डेटा। अगर आप इसका मल्टीपल इनिशियलाइजेशन करना चाहते हो बच्चे, तो बस वही टेक्निक है जैसे वहां पर था, वहां यही टेक्निक यहां पर भी है। इंच टाइप का नम, इंच टाइप का नम, साइज कितना बोला मैंने इसका 2 और 3, तो इक्वल्स टू एक छोटी कोष्ठ खोला, एक छोटी कोष्ठ खोला, इसमें डाटा तुमको रखना था, तो डाटा न्यूमेरिक है इसलिए मामा से ले लो, जा देखो, देखो जाके मेरा ले लो, मेरा ले लो, फिर बोल रहा हूँ ना, बाद में आप बात करेंगे तुमसे, और नेट ऑफ नहीं करोगे, नेट नहीं ऑफ करोगे। तो यहां है 2 और 3, अब डाटा आपको रखना है इसमें 16, 20, 10, 20, 10, 20, 30, तो आप क्या करो ना, तो पहले एक रो को इनिशियलाइज करो, 10, 20, 30, 10, 20, 30, लेकिन रो को सेपरेट करना होगा एक और मिडिल कोष्ठ लगा करके, कैलिब्रेशन लगा करके, ठीक है, 10, 20, 30, अब कोमा, अब क्या दूसरा 40, 50, 60, 40, 50, 60, यहां भी ये सेपरेटर लगेगा और फाइनली ये बंद होगा। ये समझना जरूरी है कि दो कर्ली का इस्तेमाल होगा अगर जिसमें तुमको 2D में डाटा डालना है तो। अब देखो पहला 10 इसमें, 20 इसमें, 30 इसमें, ये चेंज है, इसका मतलब रो चेंज है, क्योंकि एक कर्ली जब बंद हो जाता है तो इसका मतलब कहता है ये रो चेंज करो, तो रो चेंज कर लिए, रो चेंज किए तो क्या कहता है 40 इसमें, 50 इसमें और 60 इसमें। ओके, ये तो पहला टेक्निक देखिए आप लोगों ने, इसका मेमोरी क्रिएट कर लीजिएगा, नेक्स्ट आपको दिखाता हूं। व्हाट हैपेंड व्हेन यू आर इनिशियलाइजिंग 2D अरे लाइक दिस, 2, 3 है, छोटी कोष्ठ खोला, फिर से छोटी कोष्ठ खोला, और यहां पे क्या लिख देता हूं मैं 1, 2, छोटी कोष्ठ बंद, कोमा, फिर से खोला, 1, 2, 3, 4, 5, देन व्हाट हैपेंड, क्या होगा, तो देखो कर्ली खोला, ठीक है, पहला कर्ली खोला मतलब फर्स्ट रो की बात कर रहा है, फर्स्ट रो की बात कर रहा है, तो 1, तो ये 1 इसका, 2, ये 2 इसका, देखो क्योंकि कह रहा है रो चेंज कर देने के लिए, तो अब इधर हम जाएंगे ही नहीं, इसके बंद होने का मतलब चेंज द रो। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 3, 4, 5, तो ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5। इस टेक्निक के जरिए कोई चांस नहीं है कि आप बीच के डाटा को छोड़ सको, ये जब भी भरेगा तो सिक्वेंस में भरेगा, ठीक है, जैसे इसमें से एक ही रहता तो ये 2 भी खाली हो जाता, क्योंकि एक डाटा है तो इसका है, ये कोई चांस नहीं है कि आप इसको यहां डाल सको मल्टीपल इनिशियलाइजेशन करते समय। तो प्रैक्टिस इज, आपको यह ध्यान रखना होगा, दिस इज मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, कौन सा मल्टीपल, एक साथ मल्टीपल को इनिशियलाइजेशन अगर आप स्टैटिकली करना चाहते हो तो दिस इज द वे। ओके, और कुछ करना चाहते हो, एक प्रैक्टिस और कर ले, चलो कर लेते, अगर कहता है कोई ऐसा एरिया है, जीरो वन टू थ्री फोर और 0, 1, तो मतलब इसका डिक्लेरेशन करोगे तो कैसे बनेगा, इसका डिक्लेरेशन कैसे बनेगा, इंट टाइप का नम, नंबर ऑफ रो कितना 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ रो कितना 5 और नंबर ऑफ कॉलम कितना 2। अब इसको स्टैटिक इनिशियलाइजेशन करना है, तो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन का जो करोगे, और हम कह रहे हैं क्या करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करो, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करो, तो क्या होगा, पहला करली में सिर्फ 1, ठीक है, करली बंद, दूसरा करली में सिर्फ 2, करली बंद, तीसरा करली में सिर्फ 3, करली बंद, चौथा करली में 4 भी है 5 भी है, करली बंद, और उसके बाद करली खुला 6 होगा और 7 होगा, और फाइनली ऊपर वाला करली बंद। So this is the way by which you are multiple initialize your 2D array. आप अपने 2D array को ऐसे multiple initialize कर सकते हो. Okay? कोई दिक्कत नहीं? चलिए. The multiple initialization of 2D array मैंने आपको दिखा दिया. अब next करते हैं इसका accept data. अब हम क्या करेंगे?
डिस्प्ले डेटा फ्रॉम टू डी एरे, डिस्प्ले डेटा फ्रॉम टू डी एरे, डिस्प्ले डेटा फ्रॉम टू डी एरे। तो कहता है बच्चे कि डिस्प्ले करना चाहते हो अगर कंप्लीट डेटा ऑफ टू डी एरे, देन वी नीड टू लूप, मतलब नेस्टेड लूप के फॉर्म में तुमको दो लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा टू डी में, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग एरे होता है ना। इसीलिए जैसे कि यहाँ कहता है मेरा पास एक एरे है जिसमें कितना है डाटा भाई, इसमें डाटा कितना है, 1, 2, 3, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसका नाम हम क्या दे दिए, ना ये हो गया 01, ये हो गया 012। तो अगर कहता है कि इसको तुमको स्टोर करना है ये डाटा और ये डाटा आपको दिखाना है, तो प्रोग्राम कहाँ चलेगा, void main से, has include conio.h studio.h ऊपर में लगा हुआ है, लगा देना, भूलना मत, conio.h studio.h। अगला कहता है कि इसको डिक्लेयर करना है, int टाइप का है तो ये रहा int, int टाइप का अपन ने क्या बना लिया, num बना लिया, num को साइज कितना दे दिया है भाई, दो रो, कितना, 1, 2, 3 कॉलम, दो रो 3 कॉलम, इक्वल्स टू, इनिशियलाइजेशन करना है इसका, तो इसका इनिशियलाइजेशन करना है तो क्या कहते हैं, एक और कर्ली खोल करके इनिशियलाइज कर देते हैं 10, 20, 30 और उसके बाद 40, 50, 60, ये हो गया इसका मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। अब बताए डिस्प्ले करना है डेटा, तो डिस्प्ले करना है डाटा तो क्या करेंगे अपन लोग, एक इसमें और कर बनाएंगे हम, इंट टाइप का एक आई और दूसरा जे। अब क्या करता है फॉर लूप चलाओ, कहां से फॉर आई बराबर 0 से, क्योंकि क्या होगा लूप पहले ऐसे चलेगा, इसीलिए स्टार वाला प्रोग्राम बनवाए थे ऐसे, पहले यहाँ 0 में घुसो तो 0, 0, 0, 1, 0, 2 को दिखा लो, फिर उसके बाद 1 में घुसो तो 1, 0, 1, 1, 1, 2 को घुसा लो, मतलब आउटर लूप जो चलेगा वहां तक चलेगा, 0 से चलेगा 1 तक चलेगा, आई बराबर 0 से चलो और आई लेस देन 2 तक चलो और आई को क्या कर लो प्लस प्लस, दिस इज योर आउटर लूप। अब इनर लूप जो है कहां तक चलेगा, फॉर जे बराबर कहां तक चलो, 0 से चलो और जे लेस देन कहां तक चलो, और जे लेस देन 3 तक चलो और जे को क्या कर लो प्लस प्लस कर लो और डाटा दिखा दो, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ पेशेंट डी इक्वल्स टू पेशेंट डी, इक्वल्स टू पेशेंट डी, PRINT प्रिंट एफ, नम का परसेंटी, परसेंटी बराबर परसेंटी, वैल्यू ले आओ किससे, परसेंटी मतलब आई का वैल्यू लेना है हमको, परसेंटी मतलब हमको जे का वैल्यू लेना है, अब परसेंटी हमको डाटा चाहिए तो डाटा कहां से लेंगे भाई, नम के आई जे से, किसके, नम के आई और जे से। फॉर क्लोज एक बार ये, क्योंकि एक रो को छाप रहा है, ये क्या कर रहा है, एक रो को छाप रहा है, स्लैश एन लगाओ टेबल, दिस इज स्लैश एन, और यहां पे कर दो इसको बंद, इसको कर दो गेट सी एल, और यहां पे प्रोग्राम को कर दो बंद, गेट सी एल, प्रोग्राम क्लोज। तो देखो आउटपुट अब आपको देखना है इसका, आउटपुट पहला तो क्या करेगा, ये डिक्लेरेशन करेगा, मेन बढ़ा इंट नम, नम बनाया 2, 3, डाटा रख दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60 रख दिया, अब हम तुमको बोले थे आउटपुट देने के लिए, इसका क्या बोले, इसका आउटपुट बनाने के लिए, तो ये रहा मेरा आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन को अपन ने यहाँ पे बना लिया, आउटपुट स्क्रीन क्लियर स्क्रीन नहीं है, तुम लगा सकते हो जहां मन करे लगा लेना, या तो लो ना हम यहाँ लगा देते हैं क्लियर स्क्रीन, CLR SCR क्लियर स्क्रीन, लेकिन क्लियर स्क्रीन लगाओगे तो ऊपर में तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा i, j, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है यहाँ, तो IJ भी बना दिए। तो अब कहता है इसको इनिशियलाइज करने के बाद डाटा दिखाओ, तो हम बोले तुमको क्या, किस टाइप से तुमको डाटा दिखाना है पता है, तुमको डाटा दिखाना है कि आई बराबर 0 से चलो, आई बराबर कहां से चलो, 0 से चलो और j बराबर क्या कर दो, i बराबर 0 तो i लेस देन 2, ट्रू ट्रू तो घुस जाओ, j बराबर 0 तो j में भी क्या कर दो, ट्रू कर दो, j छोटा है किससे, हां छोटा है तो घुस जाओ। अब कहता है नम जैसा का तैसा छापो, तो ये देखो क्या लिखेगा नम, ये देखो बड़ी कोष का कोई मतलब नहीं होता है प्रिंट एफ के अंदर, तो ये बड़ी कोष जैसे का तैसे छाप देगा, परसेंट डी क्या है, एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, इसका मतलब है इसको क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, तो यहां पे क्या ले रहा है, i ले रहा है, तो i में कितना है 0, ये रहा 0, ये क्लोज, फिर से बड़ी कोष है, जैसे का तैसे छापो, परसेंट डी किसकी वैल्यू, जे की वैल्यू, तो जे में क्या है 0, इक्वल्स टू जैसे का तैसे छाप दो, परसेंट डी, तो परसेंट डी किसका वैल्यू चाहिए, नम के आई जे का, तो नम के आई जे, तो नम ये रहा आई 0 और 0, मतलब कि नम के 0 0 का वैल्यू मांग रहा है, तो ये कितना हो गया
दस आगे प्रथलेस है तो नीचे आ गया, नीचे आने के बाद यहां से कहां गया J++, तो J++ तो J वर्ग है कितना वन, J छोटा है तेरी से, हाँ ट्रू, तो ट्रू तो घुस जाओ, उसके बाद क्या करो नम, तो लो भैया नम, वैल्यू कितना परसेंटी किसका भैया नम परसेंटी किसका वैल्यू आई का वैल्यू, तो आई में अभी भी जीरो है, उसके बाद ये क्लोज, उसके बाद ये खुलेगा, तो जैसे का तैसे खोलो, परसेंटी किसकी वैल्यू J की वैल्यू, तो J में अभी कितना है वन है, तो J में वन आ गया, इक्वल टू जैसे कहते हैं छापो परसेंटी किसका वैल्यू आई जे नम के आई जे का वैल्यू, तो नम ये रहा और आई जीरो और ये वन, तो जीरो वन का वैल्यू 20, लाइन चेंज क्योंकि सिलेक्शन लगा हुआ है, आफ्टर दैट क्या करना है अपन को जे प्लस प्लस, तो जे प्लस प्लस तो जे भर के कितना टू, देखो अभी भी ट्रू, तो ट्रू तो फिर घुसो, घुसने के बाद फिर वही काम करो नम आई का वैल्यू जीरो और जे का वैल्यू टू बराबर जीरो और टू पे कितना है 30 स्लैश है, तो लाइन चेंज करो और लाइन चेंज करने के बाद जे प्लस प्लस, तो जे प्लस प्लस तो दो कट के तीन, देखो जे छोटा है थ्री से, फॉल्स फॉल्स हो गया तो बाहर निकल गया, जब यहां से बाहर निकला क्या हो जाएगा आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस तो जीरो करके कितना वन, देखो ट्रू की फॉल्स ट्रू, जब ट्रू तो घुसो घुसो तो जे बराबर फिर से क्या कर दो जीरो कर दो, तो जे बराबर फिर से क्या कर देगा जीरो कर देगा, अब जब वन के लिए घुसा तो वन का वन वन जीरो वन 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 टू दिखा देगा ये, तो तुमको अब नेक्स्ट क्या दिखाएगा नम का वन जीरो बराबर 40, नम का वन वन बराबर 50 और नम का वन टू बराबर 60। तो मुद्दा है हम तुमको बस ये दिखाना चाह रहे थे कि हाउ टू डिस्प्ले योर डेटा फ्रॉम 2D array, 2D एरे को जब भी आपको पूरी तरह से एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी, कंप्लीट डेटा को एक साथ देखने के लिए, तो कितने लूप की जरूरत पड़ेगी, दो लूप की जरूरत पड़ेगी, एक लूप होगा आउटर लूप और दूसरा लूप होगा ये लूप होगा आउटर लूप और ये लूप होगा आपका इनर लूप, क्लियर। तो दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ योर 2D array और दूसरा जो है इसका 2D array का नेक्स्ट क्लास हम अब लेंगे अगले बार, जिसमें क्या कहेंगे कि जो भी एरे बनाओगे उस एरे को वैल्यू भी मान के भी पहले रखोगे और उसके बाद उस वैल्यू को मांगने के बाद सारे वैल्यू को आप क्या करोगे दिखाओगे, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो इसके मेनली होते हैं, एक्चुअली मैट्रिक्स रिलेटेड जो भी प्रोग्राम बनता है ना वो बनता है आपको 2D से। तो अभी आपको सबसे पहले देखना क्या है, 2D एरे का डिफिनेशन लिखना है। तो 2D के एरे का डिफिनेशन लिखने के बाद शुरू से उसका क्या है सिंटैक्स, सिंटैक्स होने के बाद क्या करना है एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल देने के बाद दो तीन एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए वो आपको लिख लेने हैं। तो कंप्लीट करो आप 2D array को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो भेज।